आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अचारी हरी मिर्च की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हरी मिर्च फ्राई जो है वो मुश्किल से 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस अचारी हरी मिर्च को आप किसी भी स्नैक्स के साथ या अपने मेन कोर्स के साथ लंच या डिनर कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। ये आपके किसी भी खाने के स्वाद को कई गुना तक बढ़ा देगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस अचारी हरी मिर्च को किस तरह से बनाना है। अचारी हरी मिर्च को बनाने के लिए मैंने पैन में ये 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। इतना तेल जो है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो हम सूखे मसाले ऐड करेंगे वो सूखे मसाले जो है वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इतना तेल जो है वो आपको ऐड करना है। और तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तब इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/2 चम्मच अजवाइन। इन तीनों को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। और यहाँ पे ये देखिए राई जो है वो क्रैकल होनी शुरू हो गई है। तो अभी इसमें ये मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है, ये तीखी वाली हरी मिर्च है और ये लगभग वजन में 150 ग्राम है। इसको ऐड कर देंगे और इस हरी मिर्च को मैंने धो के और इस तरह से बीच से कट कर दिया है और नीचे से इसको जोड़ा छोड़ दिया है। इसी तरह से आप भी इसको कट करके और तैयार कर लीजिए। अभी इसको 1 मिनट के लिए भून लेना है। ये देखिए 1 मिनट के लिए हमारी मिर्चें जो है वो फ्राई हो गई हैं। इसमें इस तरह से व्हाइट स्पॉट जो है वो आ गए हैं। तो अभी इसमें जो मसाले ऐड करने हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें ये 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच। यहाँ पे मेथी का पाउडर है, सिंपल मेथी को मैंने गरम करके और इसका पाउडर बना के रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। और अभी इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए, बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारी हरी मिर्च फ्राई को। और अभी इसमें 1 पिंच हल्दी ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच यहाँ पे ऐड करेंगे, ये राई की दाल है जो अचार में पड़ता है वही है। अगर आपके पास है तो ऐड करिए, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बाकी सारे मसाले आप जरूर ऐड करिए, उससे काफी अच्छा टेस्ट आएगा। और इसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। और अभी इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए इसको ढक देना है, जिससे सारे मसाले जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और उनका फ्लेवर जो है वो मिर्च में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और 1 मिनट हो गया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे मसाले जो है वो अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अभी इसमें 1/2 चम्मच अमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। अमचूर का पाउडर आप जरूर ऐड करिए, इससे हमारी मिर्चें जो है वो बिल्कुल चटपटी हो जाएंगी। और सिर्फ 30 सेकंड के लिए इनको और फ्राई करना है। अगर आपके पास सारे मसाले रेडी है तो मुश्किल से 2 मिनट में ये अचारी हरी मिर्च जो है वो बन के रेडी हो जाता है। अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इनको सर्विंग डिश में निकाल देंगे। इस मिर्च को आप फ्रिज में रख के 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं, काफी टेस्टी लगता है और ये बिल्कुल खराब भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारी अचारी हरी मिर्च जो है वो एंजॉय करने के लिए अब रेडी है। इस अचारी मिर्च को बनाते समय सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मेथी पाउडर आप यूज करें वो बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 150 ग्राम हरी मिर्च के लिए सिर्फ 1/4 चम्मच ही ऐड किया है। तो अगर आपकी मिर्च जो है वो कम है तो आप बिल्कुल 1 चुटकी जो है वो मेथी का पाउडर यूज करिए। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो ये आपका अचारी मिर्च फ्राई जो है वो कड़वा हो जाएगा। चलिए फिर रेसिपी को ट्राई करिए। और अगर रेसिपी पसंद है तो आपको मालूम है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में जो छोटी सी घंटी आएगी आप उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।